कारोबार में चाहते हैं तरक्की तो अपने ऑफिस में इन वास्तु के नियमों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस का गेट उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इससे ऑफिस में सकारात्मकता आती है। कैबिन पर बैठने वक्त कुर्सी के लिए स्थान निश्चित होना चाहिए। अपनी कुर्सी को इस तरह व्यवस्थित करें कि ऑफिस में आने वाले हर व्यक्ति पर आपकी नज़र रहे। ऑफिस को सुंदर और सकारात्मक बनाने के लिए आप यहां कोई छोटा पौधा रख सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में मनी प्लांट, बैम्बू बंच जैसे पौधे रखना सुंदरता के साथ साथ समृद्धि कारक माने गए हैं। उत्तर दिशा की तरफ हरे भरे जंगल अथवा लहलहाती फसलों का चित्र लगाने से एक साथ कई लाभ प्राप्त होते हैं एवं मेहनत का पूरा धन आपको मिलता है। पहाड़ों और चट्टानों के लैंडस्केप को दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों पर लगाना मनोबल और स्थायित्व को बढ़ाता है। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी की तस्वीर दक्षिण दिशा को छोड़कर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से आपकी नज़र बार बार उन पर पड़ सके। अगर ऑफिस या टेबल पर सामान हमेशा बिखरा पड़ा रहता है तो यह ठीक नहीं है। ऐसे ऑफिस में बैठकर काम करने में मन नहीं लगता, हमेशा उलझन बनी रहती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वास्तुशास्त्र के अनुरूप मेज पर फाइल या कागजों का ढेर लगा रहना कार्य की गुणवत्ता को तो प्रभावित करता है, नकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। कारोबार में तरक्की के लिए डेस्क पर उत्तर पूर्व की तरफ अपने इष्ट देव की फोटो अवश्य लगाएं एवं कार्य आरंभ करने से पूर्व उन्हें प्रणाम करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।